मोहम्मद साद, मोहम्मद साद बेटे वापस आ जाए, वापस आ जाए, काट ही कर लेंगे आपको। शादी बहुत जबरदस्त सा वेदर हो रहा है यहाँ पे इस टाइम। तारी में अभी भी आधा घंटा बाकी है, तो बच्चों साथ थोड़ी देर इंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पे। आयशा ने वही गिरजेगा ये क्या? ओहो बेटे मट्टी डाल दिखा ला ऊपर। शादी कितने प्यारे लग रहे हो, खा लो थोड़ी सी, अफ्तारी कर लो, अफ्तारी करो शादी। जब आप बड़े हो जाने ना तो मामू की तरह कहना है, मैं तो कभी मट्टी के साथ खेल ही नहीं सकता। मट्टी क्या होती है? माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा वेदर हो रहा है और अच्छा लग रहा है। अभी इफ्तारी से पहले का टाइम था, मैंने सोचा आज ज़रा इधर से हल्की फुल्की सी वीडियो बना ली जाए। तो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, मौसम भी अच्छा है और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ना ग्रीन है ना कौन सा है मुझे नहीं पता। वाओ माशाल्लाह से आड़ू लगे हुए हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम देखेंगे इनको, मतलब पौधों पे फल आ गया आड़ू का। इस पे ना अभी कच्चे हैं छोटे हैं, ठीक है। ये आई थिंक नींबू का है, आई डोंट नो, लेकिन इस पे भी आया हुआ है क्योंकि किन्नू का मौसम नहीं है, इस पे भी फल आया हुआ है। और यहाँ पे फ्लावर अच्छे लग रहे हैं, कैप्चर कर लेते हैं इस चीज़ को भी। चलें जी, और आगे गंदम भी माशाल्लाह से पकी हुई है, अल्लाह पाक रहमत की बारिश डालिएगा। और ये देखिए येलो ग्रीन कम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। डोगी साहब कहते हैं मैं भी आ गया, कैप्चर ही कर ले इसको। चले पपाया, ये देखिए अमरूद को नहीं फल लगा, लेकिन इसको भी बेमौसमी फल लगता है, मतलब दोनों मौसम का फल लगता है, लेकिन अभी तक इसको लगा नहीं है। और मुझे कहा जाता है कि वीडियो में आप कैप्चर किया भी करें फल को। ये देखिए ये किन्नू नहीं है, ये लीमू है जिसके साथ पानी बनता है, इसको लगा हुआ है माशाल्लाह फल। चलें जी, आजकल इतना काफ़ी है क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है, फिर वापस चलते हैं। और जाते जाते अगर आपको मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। जैसे कि आपको पता है मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड भी लेके आती हूँ, तो ये डेली व्लॉग भी डाल देती हूँ, मिक्स होती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पपाये लगे हुए हैं जो कि 3 या 4 जो है पकने वाले हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे वैसे पर्सनली इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इनकी फ्रूट चाट बन सकती है अगर आड़ू पके हुए हों। आड़ू के साथ इसकी फ्रूट चाट बहुत ज़बरदस्त लगती है, वैसे अकेले मुझे नहीं पसंद ये। तो आज के व्लॉग इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मानेगा।